एक मिनट एक मिनट रुकेंगे, ये मैं आपको बता दूं कि अभिषेक कुमार, विजय शंकर सिंह भूमिहारा के रहने वाले विद्यार्थी हैं। मैं इस मंच से चाहे जितना तारीफ करूं, तारीफ कम होगा। इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इनको भी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुजय कुमार राय है। हाँ। मेरे पिताजी का नाम श्री चैत राय है। मैं इस नोबल कोचिंग में पढ़कर प्रखंड टॉपर आया हूँ। कितना नंबर आया है आपका? मेरा नंबर 445 नंबर है। किस विषय से थे आप? मैं मैट्रिक में। आप अपने नंबर से संतुष्ट हैं? जी सर। आगे सर क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है? आगे सर मैं एमबीए की तैयारी करना चाहता हूँ। निक्की कुमारी पांडे। पिताजी का नाम? श्री नरेश कुमार पांडे। किस संकाय की हैं आप? कला संकाय। कितने प्रतिशत अंक आपको प्राप्त हुए? 79.4%। आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? अपने गुरुजन और अपने पिताजी को इसका श्रेय देना चाहती हूं। आपके पढ़ाई करने का तरीका क्या था? जैसे कोरोना काल में इतनी पढ़ाई बाधित हुई है, फिर भी आप इतने अच्छे अंक से पास हुई हैं, तो इसके पीछे का मतलब पढ़ाई का जो तरीका था, क्या आप वो बताएंगी? जी, हमारे पिताजी ने शुरू से हम लोगों को पहले से ही मोटिवेट किया था कि नोट्स बनाओ, अंदर की बुक पढ़ो, उससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए हम लोगों ने घर पे कोरोना काल में भी इसकी तैयारी की थी, जिससे हम सक्सेस हो पाए। लगभग कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? लगभग सुबह में 6 से लेकर 12 बजे तक पढ़ते थे, फिर 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक। आने वाले समय में क्या करना चाहती हैं आप? हमें आईएएस की तैयारी करना है। आप आईएएस की तैयारी करना चाहती हैं? कहा जाता है कि आईएएस की तैयारी में पढ़ाई से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन को आप कितना आधार मानती हैं और कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? जी, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी लड़का या लड़की उसके अंदर जागरूकता बढ़ती है। नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी अगर उसे मोटिवेट किया जाए तो वो आगे जाके बहुत अच्छा आदमी बन सकता है। इसलिए हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, हमारे सिस्टर और हमारे साथ साथ हमारे गुरु भी बहुत मोटिवेट किया है, उसका श्रेय मैं उन्हें देना चाहती हूँ। पढ़ाई की अगर देखा जाए तो क्या स्कूल कॉलेज जो है अगर चलते हैं तभी जाकर, जो मतलब बच्चों का कहना है कि अगर स्कूल और कॉलेज अगर नहीं खुलते हैं तो हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो आप क्या मानते हैं कि सेल्फ स्टडी जो है इसके आधार पर भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सेल्फ स्टडी एक बहुत अच्छी स्टडी है, इसके बगैर तो हम स्कूल कोचिंग जाकर भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम मानते हैं कि स्कूल जाएंगे या कोचिंग जाएंगे तो हम पढ़ सकते हैं, बट जो घर पे हमें पढ़ना है वो तो हम सेल्फ स्टडी के द्वारा ही पढ़ेंगे ना। इसलिए कोरोना काल में बहुत सी परेशानी हुई थी, फिर भी हमने सेल्फ स्टडी का इसका पूरा श्रेय देना है।